ठीक चुनाव से पहले जांजगीर जिले में एक बार फिर करोड़ों के भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। दरअसल जिले में 18 करोड़ की लागत से बने सोठिया निकट के 3 गेट आज सुबह टूटकर बह गई, जिससे लोगों का आवागमन बाधित हो गया। दरअसल में जांजगीर चांपा जिले में 18 करोड़ की लागत से बने सोठी एनिकट के 3 गेट आज सुबह टूटकर बह गए। सोठी एनिकट पीथमपुरा गांव में हसदेव नदी पर 2011 में बनाया गया था। इस एनिकट के निर्माण को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं, मगर विभागीय उदासीनता के चलते न तो समय पर जांच की गई और न ही कोई जरूरी कदम उठाया गया, जिसकी वजह से आज यह घटना हुई। इस मामले में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। वो सुबह मेरे को 4 बजे फोन आया कि एनीकट का जो है गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 के बीच में जो है पानी जो है बहा दिया है। मैं तत्काल वहाँ पे साइट पे गया, जाकर के देखा मैंने तो 3 और 4 नंबर का गेट जो है वो टूटा हुआ था, वो पूरा का स्ट्रक्चर जो है सेटल हो गया है। और वहाँ पे कुछ गाँव वाले लोग जो है वो मछली मारते हुए पाए गए, और ये जो है जो टेम्प्रेरी बंडिंग करने के लिए बोल दिया हूँ, अभी टेम्प्रेरी बंडिंग करेंगे। अब अभी सुधार तो तत्काल हो सकता नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर टूटा है, उसकी लागत 18 करोड़ की है। उसका निर्माण करीब कम्प्लीट हुए 6-7 साल हो गए, 7 साल पुराना है। जांजगीर से उमेश जायसवाल की रिपोर्ट, ACN 20।